बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल। रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ़ ऑल रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। माई नेम इज़ सना चौधरी एंड टूडे वी विल प्रोसीड आवर टॉपिक पाकिस्तानी साइंटिस्ट इंक्लूडेड इन योर चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन एंड रोल ऑफ साइंस। The students, up to now we have studied about Dr. Abdul Salam and Dr. Abdul Qadir. Dr. Abdul Salam is awarded Nobel Prize and Dr. Abdul Qadir made the Pakistan atomic power. So we will proceed from Dr. Munir Ahmed Khan. Dr. Munir Ahmed Khan 1926 में कसूर में पैदा हुए, उसके बाद 1937 में लाहौर से इन्होंने आके अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और यहीं से ग्रेजुएशन की। इसके बाद इन्होंने दोबारा ग्रेजुएशन की इलेक्ट्रिक पावर में और एमएससी की डिग्री ली अमेरिका से 1951 में। इसके बाद 1957 में वियना दैट इज सिचुएटेड इन स्पेन, वहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी में इन्होंने जॉब की एंड 1971 तक वहीं जॉब करते रहे। 1972 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन मुकर्रर हुए और 1990 में इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से इन्होंने ये सबकदोश हुए। इनकी सरबराही में एग्रीकल्चर में, एटॉमिक एनर्जी में और मेडिसिन की फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। आपने इस तरह से पॉइंट्स के फॉर्म में इसको मेमोराइज करना है, बहुत अच्छे तरीके से ये सम अप हुआ, आपने इसको इस तरह से याद करना है। नेक्स्ट इज डॉक्टर अताउर रहमान। डॉक्टर अताउर रहमान 1942 को दिल्ली में पैदा हुए और 1947 में जब पाकिस्तान बना तो यहीं पर आ गए, यहाँ लाहौर आए। अपनी इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की और कराची यूनिवर्सिटी से बीएस ऑनर्स किया। इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1968 में पीएचडी की और 1977 में हुसैन इब्राहिम जमाल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में को डायरेक्टर एंड 1990 में डायरेक्टर मुकर्रर हुए। बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने अपनी मेडिसिन की फील्ड में, इसलिए इनको बहुत सारे अवार्ड जो है वो दिए गए। किस किस्म के अवार्ड से इनको सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज दिया गया। इन्होंने बहुत ज़्यादा यानी तकरीबन 200 रिसर्च आर्टिकल लिखे, 200 से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल लिखे, लेकिन 200 इनके पब्लिश हुए, जिसको बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट ने भी अपने काम के लिए यूज़ किया और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज में इनको पढ़ाया भी जाता है। नेक्स्ट वन इज़ डॉक्टर समर मुबारक मन। डॉक्टर समर मुबारक 17 सितंबर 1941 को रावलपिंडी में पैदा हुए एंड सेंट एंथोनी हाई स्कूल लाहौर से मैट्रिक किया। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फिजिक्स में एमएससी की एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से न्यूक्लियर फिजिक्स में एमफिल किया। इसके बाद 1962 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में साइंटिफिक ऑफिसर की हैसियत से अपने करियर स्टार्ट किया और 1994 में इनको डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। 1996 में मेम्बर टेक्निकल बना दिया गया। बहुत ज़्यादा इनकी खिदमत थी, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से इनकी सरबराही में एक टीम भेजी गई चागी में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जिनमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी थे। और इन 6 एक्सपेरिमेंट्स को जो कि 28 और 30 मई 1998 को किए गए थे, सक्सेसफुल हुए थे, पाकिस्तान को एटॉमिक पावर का जो है वो एज़ाज़ मिला। इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं ये, और इन्होंने शाहीन मीडियम रेंज मिसाइल तैयार भी किया और इसका कामयाब तजर्बा भी किया 1999 को। इनका जो बेसिक काम है वो फिजिक्स में है, लेज़र में है, फाइबर ऑप्टिक्स में है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में है, तो ये सारे इनके काम हैं और इन्हीं की सरबराही में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी पावर मिशन कम्प्लीट हुआ। लास्ट वन इज़ डॉक्टर अशफाक अहमद। डॉक्टर अशफाक अहमद ने एमएससी फिज़िक्स की डिग्री हासिल की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से और 1952 से 60 तक यहीं पर टीचिंग की। इसके बाद कनाडा से यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल से पीएचडी की और मज़ीद आला तालीम के लिए कोपनहेगन नील्स बोहर इंस्टीट्यूट और पेरिस के सॉर्बोन इंस्टीट्यूट से इन्होंने तालीम हासिल की। 1960 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन में ये इन्होंने शमूलियत इख्तियार की और इसके चेयरमैन भी बन गए। इनका भी जो ज़्यादातर काम है वो एग्रीकल्चर में था, बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क था और न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ भी ये 25 ईयर्स तक शामिल रहे। और इसके अलावा माहौल पर तब्दीलियाँ जो होती हैं उसके असरात के मुताले के लिए इन्होंने एक आलमी सेंटर कायम किया, इनको भी निशानी इम्तियाज़ जो है वो नवाजा गया। क्योंकि इन साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा खिदमत होती हैं, जिन साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वर्क होता है उनको निशानी इम्तियाज़ दिया जाता है, इनको भी निशानी इम्तियाज़ दिया गया। सो स्टूडेंट्स,
वी स्टडीड अबाउट सिक्स पाकिस्तानी साइंटिस्ट. फर्स्ट वन हमने पढ़ा डॉक्टर अब्दुल सलाम, देन डॉक्टर अब्दुल कदीर, एंड टुडे वी स्टडीड अबाउट डॉक्टर मुनीर, डॉक्टर अता, डॉक्टर समर मुबारक मन एंड डॉक्टर अशफाक अहमद. दिस इज़ बेसिकली द नोबल प्राइज. यू कैन सी बाई फेस, यानी अगर आप देखना चाहें कि नोबल प्राइज किस किस्म का होता है तो कुछ इस किस्म का होता है. So students, you have to memorize all these headings and you have to write them on your HA register and you have to practice difficult words dictation. And your activity is list the name of three scientists which are awarded Nobel Prize in physics throughout the world. Students, अच्छे तरीके से अपनी diary और activity understand कर लें ताकि आपको बाद में पूछना मत पड़े. आपने ये सारी headings बहुत अच्छे तरीके से याद करके लिखनी है, ठीक है. इन्हीं सारी headings को लिखना है प्लस इनके डिफिकल्ट वर्ड्स अलहदा से लिखने हैं. एक्टिविटी में आपने एटलीस्ट 3 साइंटिस्ट के नाम लिखने हैं जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज लिया हो, ठीक है. वो ज़रूरी नहीं है पाकिस्तानी हो, ज़रूरी नहीं है वो मुस्लिम हो, कोई भी 3 साइंटिस्ट हो सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड योर डायरी एक्टिविटी इन दिस लेक्चर वेरी वेल. एंड वंस अगेन, रमज़ान मुबारक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू.